अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की जियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नज़दीक से देखा है, उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखे। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया, और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद में इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विसाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चार पाई पर लेटे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीम किया जाएगा जहां पर आपका विसाल हुआ है, इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे, और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुसल दिया, और फिर वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में आपको तदफीम कर दिया गया। उसके बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया, और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद में जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया, और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत उमर को हजरत अबू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर तीन कब्रें तैयार की गई। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को तदफीम कर दिया गया था, तो ये दोनों तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुजराए मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, तो उनको भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाजू में तदफीम कर दिया गया। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हजरत उमर को उनके हुजरे में तदफीम कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीम कर दिया गया, तो हजरत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया गया, क्योंकि हजरत उमर नामहरम थे, यानी कि आधी जगह पर हजरत आयशा रह रही थी और बाकी की आधी जगह पर तीन कब्र मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और दूसरी कब्र हजरत अबू बकर सिद्दीक की, और तीसरी कब्र हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए, लेकिन हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा से दरख्वास्त की थी, इसीलिए ये जगह हजरत आयशा ने हजरत उमर को दे दी। फिर हजरत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीम कर दिया गया। उसके बाद में जो हजरत आयशा के घर पर जो छत पड़ी हुई थी, वो छत भी कमज़ोर होने लगी। फिर एक बार ज़ोरदार बारिश हुई, उस बारिश में हजरत आयशा के घर की छत गिर गई, और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था, उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी, और साथ ही पांच कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके पांच कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह जानकर इसका कोई तवाफ करना शुरू ना कर दे। प्यारे दोस्तों, गुम्बद खिजरा दुनिया की वो गुम्बद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुम्बद खिजरा की जियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुम्बद खिजरा की जियारत तो हर आम और खास कर ही लेता है, लेकिन गुम्बद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है।
हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चार दीवारी की जालियां है। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करने वाले इन पांच कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ा रसूल तक वो गए हैं, या फिर उनके पास में कोई रोज़ा रसूल की फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रोज़ा रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन पांच दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच में चार दीवारें बनी हुई है, पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी पांच कोनों वाली, तीसरी एक और पांच दीवार, और चौथी वो चार दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था, लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक के दीवारें बोशीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फकी अल्ला नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की सआदत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को पांच दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी चार दीवारी में भी काफी दरारें पड़ी हुई थी, इसीलिए फिर हमने उनको भी ढहा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की सआदत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी चार दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खानाए काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। चार दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं था। फिर मेरी नजर जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। फिर एक जगह पर जरा सा उभार था, ये शायद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अल समूदी ने अपनी किताब में हुजराए नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप आशिक़े रसूल है, सच्चे आशिक़े रसूल है, तो आपको यकीनन ये आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे नूरे हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।